Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. With Ramzan just around the corner, I'm going to be teaching you some fantastic recipes. Jisme hamari desi recipes bhi hoengi and hamari desserts ki recipe bhi hoengi. So you'll be learning lots of delicious things. Starting off with our dal makhni, which I'll be teaching you today. दाल मखनी के लिए हमें चाहिए एक कप काले मसर, जिनको आपने ओवरनाइट सोक कर लेना है पानी में, 2 इंच का पीस अदरक का, 3 से 4 गिरियां लहसुन की, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी. वी विल ऑल्सो बी नीडिंग 1/2 कप ऑफ लोबिया, जिसको आपने ओवरनाइट भिगो लेना है और फिर प्रेशर कुकर में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पका लेना है, जब तक इट्स कम्प्लीटली टेंडर. मसाले के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम देसी घी, 50 ग्राम बटर, 1 प्याज फाइनली चॉप्ड, 20 ग्राम अदरक लहसुन की पेस्ट, आधा टीस्पून ज़ीरा, 2 हरी मिर्चें फाइनली चॉप्ड, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, 1.5 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 कैन ऑफ टोमेटो प्यूरी, 1 पैक ऑफ क्रीम. तड़के के लिए हमें चाहिए 50 ग्राम्स मक्खन, 50 ग्राम्स देसी घी, 3 क्लोव्स लहसुन के जिनको आपने स्लाइस कर लेना है, एंड 1 टीस्पून ऑफ कश्मीरी चिली पाउडर. तो एज यू नो, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है दाल मखनी की. इट इज़ एब्सोल्युटली डिलिशियस. ये हमारे रेस्टोरेंट्स के अंदर भी ये रेसिपी मैंने सिखाई हुई है एंड एवरीवन रियली लव्स इट. इट्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर. इट इज़ सो फ्लेवरफुल. इट्स नॉट अ रेगुलर दाल, इट्स अ मील ऑन इट्स ओन. सो आई नो यू गाइज विल लव इट. बहुत ईजी रेसिपी है. सबसे पहले हम अपनी जो दाल के इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब अपने प्रेशर कुकर के अंदर डालेंगे और उसको अच्छे से गला लेंगे, जिसमें हमारी दाल है, अदरक लहसुन जो है चॉप्ड वो, हल्दी, नमक एंड द चिली पाउडर. वी आर गोइंग टू पुट दैट ऑल इन एंड वी आर गोइंग टू कुक इट फॉर अबाउट 15 मिनट्स. इसके साथ हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाल लेंगे, जैसे ये नीचे ना लगे, एंड हम चूल्हा ऑन कर लेंगे. सो जब तक ये प्रेशर के अंदर पक रही है हमारी दाल, तब तक हम अपना जो मसाला है वो बना लेंगे. लेकिन कीप इन माइंड फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू टू कुकिंग, कि जब आपका जो प्रेशर कुकर है ये उसका वज़न हिलना शुरू होगा, तब से आपने टाइम नोट करना है, उससे पहले नहीं. सो वंस इट स्टार्ट्स मूविंग और स्टार्ट्स क्रिएटिंग अ हिसिंग साउंड, तब से हम इसका टाइम नोट करेंगे. सो इट विल टेक अबाउट 15 मिनट्स बिकॉज वी वॉन्ट इट टू बी रियली सॉफ्ट. एंड ओवर हियर वी गोइंग टू स्टार्ट ऑफ बाई मेकिंग आवर मसाला. स्टार्टिंग ऑफ विद आवर देसी घी. देसी घी के साथ हम डालेंगे अपना मक्खन एंड इसको अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे. इसके अंदर हम डालेंगे हमारा ज़ीरा, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू फ्राई द ज़ीरा फॉर अ फ्यू सेकेंड्स. And now we're going to add in the chopped onion. Onion को हमने अच्छे से brown कर लेना है. जब onion brown हो जाएगा तो अदरक लहसुन की paste डाल के, पानी का छट्टा डाल के थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे. सो ये आप देख सकते हैं कि हल्का golden brown color आ गया है हमारे onions में. तो अब हम अपनी अदरक लहसुन की paste डालेंगे, इसको हल्का सा mix करेंगे, साथ में पानी का छट्टा डालेंगे, इससे हमारे प्याज भी सॉफ्ट हो जाएंगे, एंड वील एड इन ऑल द स्पाइसेस. ये हमारी कश्मीरी मिर्च जिससे रंग आएगा, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हरी मिर्चें, एंड साथ में नमक हसबे ज़रूरत. साथ में हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी. मैं कैन वाला टमाटर इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, फॉर दोज ऑफ़ यू हु आर वॉचिंग फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, जो हमारे टमाटर का जो कैन होता है
उसमें कॉन्सेंट्रेटेड पेस्ट होती है तो फ्लेवर ज़्यादा आता है। अगर आपने नॉर्मल टमाटर के साथ करना है तो आप करेंगे ये, आधा किलो टमाटर लेंगे और उसकी प्यूरी बना के छिलका उतार के प्यूरी बना के वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतना ब्राइट कलर नहीं आएगा। अब हम इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक घी बिल्कुल अलग नहीं हो जाता, एंड देन वी गोइंग टू ऐड इन आवर लोबिया एंड दाल। सो यू कैन सी ये काफ़ी देर से इस तरह हिल रहा है। सो अब हमारा टाइम पूरा हो गया है तो मैं चूल्हा नीचे से बंद कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू वेट फॉर दिस टू स्टॉप मूविंग और इसका जो ये शोर है ये ख़त्म हो। जब ये बिल्कुल इट स्टॉप्स मूविंग आई एम गोइंग टू वेट फॉर 5 एक्स्ट्रा मिनट्स और फिर मैं इसकी जो वेट है इसका ये उतार लूँगी। जितनी सी भी एक्स्ट्रा इसमें स्टीम है वो निकल आएगी एंड देन आई विल ओपन इट एंड देन आई विल शो इट टू यू। चलिए जी, ये हमारी अच्छे से गल गई है। सो यू कैन सी कि ये दाल भी अच्छे से गल गई है। जस्ट प्रेस इट अगेंस्ट द स्पून एंड यू विल सी, और ये लहसुन भी इस तरह बिल्कुल मैश हो गया है। जो अदरक का पीस है वो आप बेशक फिश आउट कर लें फ्रॉम दिस क्योंकि वो काफ़ी सख्त होता है। आई एम जस्ट गोना टेक दैट आउट। नाउ वी आर गोना पोर दिस इनटू द मसाला। मेक श्योर टू स्क्रेप इट ऑल आउट एंड वी विल आल्सो एड आवर लोबिया। तो जब आपने अपनी काली दाल इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेनी है, यू कैन सी ऑलरेडी इतना खूबसूरत कलर आ रहा है, तो साथ में हम अपनी जो बॉयल्ड लोबिया है वो भी डाल देंगे। लोबिया भी आप ये देख रहे हैं बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। इसके साथ हम इसको ज़रा पहले मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा पका लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर टू दिस, जैसे कि लोबिया और दाल थोड़ी सी और भी पक जाए। सो अबाउट यू कैन से 1 कप। जितनी देर ये पक रहा है साथ में हम जो हमारी क्रीम है एक अलग बड़े प्याले में डाल लेंगे और थोड़ा सा जो ये गरम थोड़ी सी जो गरम दाल है वो इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर क्रीम डायरेक्टली हम डालेंगे इस गरम दाल में तो वो फट जाएगी, सो यू हैव टू टेम्पर इट। जब आपने दही भी किसी रेसिपी में डालना हो किसी ग्रेवी में तो ये बड़ा एक सिंपल और अच्छा तरीका है फॉलो करने का, इससे आपका दही या क्रीम कभी भी फटेगी नहीं। सो नाउ वी गोइंग टू ऐड इट इनटू आवर दाल। अब हम अपनी जो दाल है उसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे। आई नो इट साउंड्स रियली ऑड कि हम दाल क्यों ब्लेंड कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, दैट्स व्हाट्स गोइंग टू गिव इट दैट रियली क्रीमी सिग्नेचर दाल मखनी टेक्सचर। आप ज़रूरी नहीं है कि स्टिक ब्लेंडर यूज़ करें, आप रेगुलर ब्लेंडर के अंदर आधी दाल डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। पूरी दाल ब्लेंड नहीं करनी, थोड़ी सी चंकी रखनी है। Good enough. अब हम इसको वापस चूल्हे पर चढ़ा के पकाएंगे टिल इट थिकन्स अ लिटिल मोर और फिर हम तड़का भी इसको दे देंगे। तड़का स्टार्ट करने से पहले आपने दाल को चख लेना है, नमक अपनी चेक कर लें और थोड़ी सी खटास बैलेंस के लिए एक चुटकी बिल्कुल चुटकी आपने चीनी भी इसमें डाल लेनी है, विच अगेन आई नो इट साउंड्स ऑड बट ट्रस्ट मी इट्स गोना बैलेंस द फ्लेवर रियली वेल। सो नाउ वी गोना स्टार्ट ऑफ विद आवर तड़का, जिसके लिए हमने अपना देसी घी पैन में डालना है, साथ में मक्खन, एंड वी गोना मेल्ट दिस फर्स्ट। साथ में हम लहसुन जो है वो भी डाल लेंगे और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये हमारा जो लहसुन है वो गोल्डन हो चुका है एंड आई हैव एडेड द कश्मीरी मिर्च, हल्का सा इसको मिक्स करना है एंड नाउ वी गोइंग टू पोर दिस ऑन टॉप ऑफ आवर दाल। अब इसको आपने मिक्स नहीं करना,
just let this sit on top of the dal for just a few minutes and then we're going to dish it out. Just look at how amazing that looks. And I'm going to start dishing it out very carefully. Trust me, aap ye apne ghar walon ke liye banayenge. They will want nothing else on the menu other than this dal. इसको हम गार्निश करेंगे विद जस्ट सम क्रीम. सो देयर यू गो, हमारी डिलिशियस दाल मखनी तैयार है. इट इज़ स्मेलिंग सो गुड एंड आई स्नीक्ड इन अ बाइट. इट्स टेस्टिंग रियली गुड एज वेल. इसके साथ कुछ मेरी सजेशंस हैं, आप इसके साथ कोई सा भी बारबेक्यू सर्व कर सकते हैं. बीफ तहारी इसके साथ बहुत अच्छी कॉम्बो है. इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी. एंड पराठा, पराठे के साथ जो इसकी कॉम्बो है वो इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग. सो मस्ट ट्राई इट एंड मस्ट ट्राई इट विद पराठा. आई होप यू एंजॉय द रेसिपी. टेक केयर. आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी. प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो व्हाट यू थिंक आफ्टर ट्राइंग इट आउट. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू स्टे अपडेटेड विद ऑल द लेटेस्ट वीडियोज़. आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग सम अमेजिंग रेसिपीज विद यू ऑल.